कैथल से जननायक जनता पार्टी की टिकट पर अशोक बंसल ने दावा किया है। अशोक बंसल ने खट्टर सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए जेजेपी की योजनाओं के बारे में बताया। अशोक बंसल ने दावा किया कि कैथल की जनता का पूरा समर्थन उनको मिल रहा है, अगर टिकट मिली तो वह कैथल की सीट जेजेपी की झोली में डालने में कामयाब होंगे। आइए जरा अशोक बंसल की पूरी बातचीत सुन लेते हैं। प्रदेश के अंदर पूरे के अंदर असुरक्षा है, आपको तो पता ही है। जैसे कैथल के अंदर हफ्ते में 5 तो मर्डर हो जाते हैं, ताले टूट रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, महिलाओं को कोई बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, सरेआम लूटपाट हो रहा है, चैन स्नैचिंग आदि हो रही है। इन्हीं मुद्दों पर हमारा फोकस, आने वाली सरकार अगर हमारी आती है, हम महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे। जनमानस की सुरक्षा सबसे पहले मुख्य मुद्दा हमारा है, और युवाओं को रोजगार। 90% से अधिक युवक जुवेदर्शन जी के साथ, दिग्विजय भाई के साथ है। कारण है कि आज पहली बार प्रदेश के अंदर एक युवा नेता, युवा सोच मिली है प्रदेश को। क्योंकि जैसा आपने देखा भी है, संसद के अंदर हरियाणा में केवल एक यही युवा सांसद था जिसने प्रदेश के हितों की बात संसद में उठाई। संसद में ट्रैक्टर ले जाने वाला एकमात्र युवा सांसद भाई दुष्यंत चौटाला थी। 59,000 के 67,000 रुपए के ट्रैक्टरों के चलान कट रहे हैं। प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार जो है, सिर्फ अपने अहम और वहम में लिप्त और सत्ता भोगने में लगी हुई है। युवा साथी को हम 75% रोजगार हरियाणा की युवाओं को हरियाणा में दें। हमने पूरा एक रोड मैप तैयार किया हुआ है हल्के के विकास के लिए। इसके अंदर हमारा ये टारगेट है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा, वह सरकारी तौर पर भी उद्योगों की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो हल्का है वो औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। हम इसके अंदर नए उद्योग लगाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले। लघु कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे जिसमें महिलाओं को भी ग्रामोद्योग की तर्ज पे काम मिले। और मैं व्यापारी की और किसान की पीड़ा भलीभांति जानता हूं, क्योंकि जो आदमी खुद भुगतता है ना, उसको उसकी पीड़ा का पता होता है। जैसे कि व्यापारी का अब इन्होंने लाइसेंस प्रणाली लगा दी है, किसान के ऊपर, पशुपालन के ऊपर लाइसेंस प्रणाली लगा दी। पहले कहावत थी, हम भी पढ़ा करते थे किताबों में, कि देशा में देश हरियाणा थी तो दूध दही का खाना। अब जो गांव में हमारी माँ बहन कोई एक दो गाय भी पालती है और उसका दूध बेचकर गुजर बसर करती है, उसके ऊपर भी खट्टर सरकार ने लाइसेंस लगा दिया है। तो ऐसे में सब नीतियां जो है किसान विरोधी भी है, पशुपालन विरोधी भी है और व्यापारी विरोधी। जैसा कि व्यापारियों के ऊपर अब इन्होंने आड़त के लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही है सरकार, हम वो अध्यादेश लेकर आएंगे। इसकी न्यूनीकरण की जरूरत ही ना पड़े। जैसे पंजाब के अंदर जिसका लाइसेंस एक बार हो गया, एक बार फीस जमा हो गई, उसको ताउम्र लाइसेंस रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी जारी कर दी, इससे हमारा किसान भी बर्बाद हो जाएगा और आड़ती भी बर्बाद हो जाएगा। किसान के पैसे तो बैंक काट लेगा, चाहे समितियां काट लेगी, उसके हाथ में ना कुछ बचेगा, ना व्यापारी के हाथ में बचेगा। तो ये जो सरकार की विरोधी नीतियां हैं, ये किसान विरोधी भी और व्यापारी विरोधी भी। रही बात शहर की समस्याओं, जैसे कि शहर के अंदर सेक्टर की, चाहे हमारे ग्रामीण अंचल में, सड़कों का विकास नहीं है, गंदे पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्वच्छ पानी के बगैर हर गांव में काला पीलिया फैल रहा है। हम आरओ पानी के प्लांट का प्रबंध करेंगे और फ्री में हर आदमी को, हर घर में आरओ का पानी, स्वच्छ पानी मिले, गंदे पानी की निकासी हो, उसका हमने पूरे तरीके से प्रबंध करें। शहर के अंदर मैं सभी बरादरियों में मिला हूँ, मेरे को अपनी अग्रवाल बरादरी ने पूर्ण समर्थन की घोषणा की है और सभी बरादरियों में मेरे को अच्छा समर्थन मिल रहा है। रही बात टिकट की, ये तो निर्णय हाईकमान का है। हाईकमान जिसको चाहे वो समीकरण देखकर टिकटें वितरित करेगा। अगर टिकट मुझे मिलती है तो मुझे ये लगता है कि कैथल की जनता, क्योंकि जनता जनार्दन ही भगवान का रूप होता है, और जैसा कि जनता मुझे आश्वासन दे रही है, अगर मुझे टिकट मिलती है तो भारी मतों से मुझे यहाँ के हल्के की जनता जिताकर विधानसभा में भेजेगी और मैं ये सीट जननायक जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अशोक बंसल की जीत की संभावनाओं के संबंध में भी दो शब्द कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।